हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग पांच ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसको कि कल हम लोग इंट्राडे के लिए ट्रेड करने के लिए देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो जाए, हम लोग स्टॉक को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, किस लेवल को पे हम लोगों को ट्रेड करना है और क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है। तो चलिए अब जो है हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है यहाँ पे विप्रो। विप्रो अगर इससे पहले हम लोग ने कंटिन्यू इस स्टॉक को आपको ट्रैक किया था और यहाँ पे जो है इसने एक रेंज बनाया हुआ था 700 के ऊपर, जो है ये स्टॉक आपको ट्रेड नहीं कर पा रहा था। आज फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद आज कंटिन्यू एक ही रेंज में आपको ट्रेड किया, कहीं पे भी आपको जो है इस रेंज से बाहर ये स्टॉक नहीं गया 700 से लेके 702 से लेके और 707 तक इस 5 पॉइंट के रेंज में जो है कंटिन्यू ये स्टॉक आज पूरा दिन ट्रेड किया। और आज मार्केट भी थोड़ा वॉलेटाइल था जिस वजह से जो है आज आपको उतना अच्छा इंट्राडे में कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिला। तो अब हम लोग कल इस स्टॉक को फिर से ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम लोग को ट्रेड कहाँ करना है, अगर कल एक 5 मिनट का कैंडल 707.5 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर एक 5 मिनट का कैंडल कल क्लोज होता है तो यहाँ पे हम लोग इसको बाय करने के लिए देखेंगे। बिल्कुल ही पहले क्लोज होने का वेट कीजिए। क्लोज होता है अगर 707.5 के ऊपर तो हम लोग जो है यहाँ बाय करने के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस जो है आपको इसका लोअर लेवल होने वाला है जो कि आपको इसका है 702 पे, तो 6 रुपीज का स्टॉप लॉस हम लोग का होने वाला है। टारगेट जो है हम लोगों का 8 to 10 रुपीज का होने वाला है। अब नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है आपको यूपीएल। यूपीएल आज के लिए भी हम लोगों ने इसको ट्रेड करने के लिए रखा था और अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने लास्ट एनालिसिस वीडियो देखा होगा, तो हम लोग यहाँ पे पुलबैक का वेट कर रहे थे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था एक पुलबैक लेने के बाद अगर ये स्टॉक ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देखेंगे। लेकिन आज स्टॉक जो है आपको ऊपर खुला और ऊपर खुलने के बाद जो है इसने कभी अपने हाई को आज यहाँ पे ब्रेक किया ही नहीं और जो है आपको यहाँ पे 758 से 762 इस रेंज में जो है आपको कंटिन्यू, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 758 से 764 इस रेंज में जो है कंटिन्यू आपको यहाँ पे ट्रेड किया। हम लोग अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा आपको हॉल्ट कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे जो है डेली चार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर 760 के ऊपर जो है आपको एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद उसी के ऊपर जो है स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे जो है एक हॉल्ट कैंडल टाइप का आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है और ये जो है आगे आपको 765 के ऊपर जो है अपना यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको कैसे ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको हम लोग वेट करेंगे इस स्टॉक में क्लियरली, जब तक 765 का लेवल ब्रेक नहीं होता है हम लोग जो है इस स्टॉक में वेट करेंगे। यहाँ पे अगर एक बार 765 का लेवल आपको ब्रेक होता है तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे आपको बाई करने के लिए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोगों का 758 होने वाला है, तो 7 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो है 10 to 12 पॉइंट का यहाँ पे इजीली इंट्राडे में हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कंटिन्यू जो एक रेंज बना हुआ है इस रेंज को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ही जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देखेंगे। अगर इस रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करता रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जंप नहीं करना है जब तक आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। ठीक उसी तरह जैसे आज हम लोगों ने याद होगा आपको TCS में एक ट्रेड किया था लास्ट में, यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस जरूर गया, लेकिन TCS में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू स्टॉक आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, नीचे से एक आपको 5 मिनट में ट्रेंड लाइन में क्लियरली विजिबल है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद जो है सडनली यू टर्न आया मार्केट में, बहुत ही एक शार्प फॉल हुआ और उसके बाद फिर से ऊपर क्लोजिंग जरूर दिया, बट यहाँ पे जो है हम लोगों का छोटा सा स्टॉप लॉस 3712 पे था, वो स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आपको ट्रिगर हो गया। तो इसी तरह से अगर रेंज ब्रेकआउट होता है कभी भी तो नो डाउट स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे टारगेट अगर मिलता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट मिलता है। तो कल के लिए आप लोग TCS को भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन इसको जो है 3725 के ऊपर ही आपको बाई करना है। लेकिन कल के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो जाएगा, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं किया। अब हम लोग थर्ड स्टॉक की बात करें तो थर्ड स्टॉक है आपको HDFC बैंक।
एचडीएफसी बैंक का सबसे पहले अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक अच्छा आपको ब्रेकआउट हुआ है। इस लेवल पे आपको जो है एक अच्छा डब्लू पैटर्न बना के स्टॉक में रिवर्सल का साइन आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर 1450 के ऊपर स्टॉक ने आपको एक अच्छा क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे जो है अब स्टॉक ऊपर की साइड मोमेंटम यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर सकता है। 1500 के लेवल तक जो है इजीली स्टॉक जो है यहाँ पे आपको स्ट्रेच हो सकता है। तो 5 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो हम लोग को जो है आपको इस स्टॉक को भी बाय करने के लिए देखना है। हम लोगों का ट्रिगर प्राइस रहेगा, आपको एंट्री प्राइस करना है 1465 के ऊपर। तो 1465 के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे आपको बाई करने वाले हैं। इस लेवल के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग बाई करेंगे। फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलता है, क्लोज होता है, तो हम लोग बाई करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाता है और मोर देन 5 to 6 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर एक बार के लिए पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि उस केस में जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए 1465 के ऊपर अगर 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग जो है यहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग का 1455 होना है, 10 रुपीज का स्टॉप लॉस है। टारगेट हम लोगों का 15 to 20 पॉइंट का रहेगा इंट्राडे के लिए। फोर्थ स्टॉक है आपको टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के भी डेली चार्ट में जो है एक अच्छा मूवमेंट अब हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको स्टॉक में एक गिरावट हो रहा था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको पुल बैक लिया, उसके बाद फिर से सेलर्स आए, बट यहाँ पे जो है आपको प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके एक अच्छा क्लोजिंग दिया है और जो है यहाँ पे आपको हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन जो है अब दिख रहा है। तो 5 मिनट के चार्ट में जो है हम लोग इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग को यहाँ पे जो है इसको ट्रेड आपको करना है, एक रेंज बनाया है यहाँ पे आपको क्लोजिंग प्राइस का एक रेंज बनाया है। अगर फ्लैट खुल के इसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल बनाता है तो हम लोग जो है इसी प्राइस पे आपको एंटर कर जाएंगे। स्टॉप लॉस जो है वो हम लोग का 475 का होने वाला है। एंट्री प्राइस जो है आपको 480.5 के अराउंड अगर यहाँ पे आपको कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। 5 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, 7 to 8 रुपीज का जो है हम लोग का यहाँ इंट्राडे के लिए टारगेट होगा। और अगर स्टॉक में मार्केट में अच्छा मोमेंटम रहा तो फिर ये आपको 500 तक का भी जो है एक अच्छा टारगेट दे सकता है, लेकिन पहले हम लोगों का टारगेट जो है यहाँ पे आपको 7 to 8 रुपीज का रहेगा। उसके आगे अगर स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम करेगा तो फिर जो है हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको कैप्चर कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक है आपको हिंडाल्को। हिंडाल्को के भी डेली चार्ट में जो है एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में चलेंगे तो सेम जैसा हम लोगों ने अभी टाटा मोटर्स में देखा, कुछ इसी टाइप का मूवमेंट जो है यहाँ पे हिंडाल्को में भी आपको दिख रहा है। स्टॉक यहाँ पे लगातार आपको डाउन ट्रेंड में था, फर्स्ट टाइम पुल बैक लिया, उसके बाद सेलर्स आए, लेकिन यहाँ पे फिर से जो है स्टॉक में आपको एक अप ट्रेंड का साइन दिख रहा है। तो अगर ये यहाँ से आपको 458 के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे। 5 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग चलते हैं जो आपको यहाँ पे हिंडाल्को में भी बहुत ही अच्छा एक रेंज बना है तो हम लोग जो है इस रेंज के ऊपर इसको बाई करने के लिए देखेंगे। 459 के पास से जो है आज आपको काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, तो इस लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है 459-460 के लेवल के ऊपर अगर यहाँ पे निकल जाता है, 460 के लेवल के ऊपर अगर एक अच्छा कैंडल क्लोज देता है तो हम लोग जो है यहाँ पे बाई करने के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग का 456 का होने वाला है। इस लेवल पे हम लोग का स्टॉप लॉस होने वाला है जो कि आज का लास्ट 5 मिनट के चार्ट में स्विंग लो है, ये हम लोग का स्टॉप लॉस होने वाला है। 456 का स्टॉप लॉस है, 4 रुपीज का स्टॉप लॉस है। टारगेट हम लोगों का 6 to 7 रुपीज का होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।